हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम इस कड़ी में कक्षा 10 का विज्ञान का जो अध्याय है 6, जय प्रक्रम, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। जय प्रक्रम एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसको हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा है उत्सर्जन। ये चारों जो प्रोसेस है जैव प्रक्रम में आते हैं, इसलिए हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का पाठ है पोषण। आइए उसे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादपों में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यकता होती है। यहाँ पे है पहला ऑप्शन CO2 एवं H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश, चौथा है उपयुक्त सभी। तो पादपों में स्वपोषी पोषण के लिए ये चारों चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 की उत्पत्ति कहाँ से होती है। O2 कहाँ से बनता है? 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, ये सभी। तो जल से आपका क्या ऑक्सीजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला देखते हैं, किस कोशिकाओं को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन ऑफ सेल, अर्थात इस कोशिकांग में ही क्या होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो 4 ऑप्शन है, हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो हम हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। अगला, पादपों में गैसों का विनिमय वातावरण एवं शरीर के बीच किसके द्वारा होता है, अर्थात वह कौन सा संरचना है जो पादपों में गैसीय विसरण में मदद करता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तना, पत्ती, जड़, रंध्र। तो रंध्र के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप नाइट्रोजन को भूमि से किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो पादप होते हैं वातावरणीय नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, बल्कि भूमि में स्थिर की गई हुई नाइट्रोजन के स्रोत को लेते हैं। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, नाइट्रेट, NO2, HNO3 या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे नाइट्रोजन को भूमि से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषम पोषी जीव नहीं है, अर्थात इनमें से कौन जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन मनी प्लांट, दूसरा है फीता कृमि, तीसरा है फफूंदी, चौथा है ईस्ट। तो मनी प्लांट विषम पोषी नहीं है, बल्कि यह स्वपोषी है, जबकि फीता कृमि, ईस्ट और फफूंदी विषम पोषी जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल का क्या कार्य है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है जल, चौथा CO2। तो क्लोरोफिल क्या करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में अर्थात भोजन में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत या इनमें से कोई। तो आहार नल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, छोटी आंत होता है, जो 6 साढ़े 6 मीटर लंबा होता। अगला क्वेश्चन, अमीबा में कौन सा अंग गमन एवं भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। 4 ऑप्शन है, खाद्रिक का, दूसरा है कूटपाद, पादाप या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कूटपाद है वह गमन का भी कार्य करता है और भोजन ग्रहण करने का भी कार्य करता है। अगला देखते हैं, मनुष्य के मुख गुहा में
कितनी जोड़ी लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि पाई जाती है? चार ऑप्शन है, चार जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के मुख गुहा में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। अगला, मनुष्य के लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उनमें कौन कौन सा विकर एंजाइम पाया जाता है? यहाँ चार ऑप्शन है, पहला है टाइलिन लाइपेज, दूसरा है लाइपेज पितरस, तीसरा है टाइलिन लाइसोजाइम या इनमें से कोई नहीं। तो लार में प्रोटीन पाचक एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, साथ ही साथ जीवाणु के मारने वाला एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है। यही है लार ग्रंथि से जो लार निकलता है उसमें ये एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन लाइसोजाइम। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार नाल में भोजन की किस प्रकार की गति होती है? अर्थात जो गति होती है आहार नाल में वह चार आहार नाल में भोजन की किस प्रकार की गति होती है? पहला है सिलियरी गति, दूसरा अमीबीय गति, तीसरा है क्रमानुकंचन गति या सभी। तो आहार नाल में क्रमानुकंचन गति होती है, इसी के द्वारा भोजन एक भाग से दूसरे भागों में जाता है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है? यहाँ चार एग्जाम्पल है, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। तो जठर रसी ग्रंथि से आपका प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन निकलता है। अगला, जठर रस में कौन सा अम्ल निकलता है? तो चार ऑप्शन है, NaCl, H2SO4, HNO3 और HCl। तो जठर रस में HCl नामक आपका क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कैसी होती है? तो चार ऑप्शन है, बड़ी, छोटी, अनुपस्थित या इनमें से कोई नहीं। तो मांसाहारी जंतुओं में जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती। अगला, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन एवं अवशोषण पूर्ण होता है? यहाँ चार ऑप्शन है, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। तो छोटी आंत का ऑप्शन ये सही है। अगला, पित्तरस जिसे बाइल जूस कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो चार ऑप्शन है, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो यकृत में क्या होता है, पित्तरस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, वसा का इमल्सीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ चार ऑप्शन है, लार, जठर रस, अग्नाशय रस, पित्तरस। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? चार ऑप्शन है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाने में मदद करता है, जबकि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है और ट्रिप्सिन पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? चार ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। तो यहाँ जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन सी है, और विटामिन है जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आहार नाल में सी आकार की संरचना क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है, ग्रहणी, आमाशय, ग्रसनी, ग्रास नली। तो ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का भाग है वह सी आकार का होता है। निम्न में किसके में द्वार कोशिका पाई जाती हैं? किस संरचना में द्वार कोशिका होती है? चार ऑप्शन, जड़ों में, फलों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में।
तो रंध्रों में क्या होता है, द्वार कोशिका गार्ड सेल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। चार ऑप्शन है 20, 24, 26, 32। तो इसमें 20 दूध के दांत मनुष्य में पाए जाते। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्र चरणों की संख्या होती है, एक जोड़ी, चार जोड़ी, दो जोड़ी या तीन जोड़ी। तो दो जोड़ी आपके क्या होते हैं, अग्र चरण प्रत्येक जबड़े में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ग्रास नली जिसे ओसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, उसकी लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन है 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 15 फीट। तो ओसोफेगस की जो लंबाई है ग्रास नली की, वो 25 से 30 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। चार ऑप्शन है उपचयी अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। अपचयी अभिक्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते। अगला, किस विटामिन की कमी से चर्मदाह या पिलाग्रा रोग होता है। यहाँ चार ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन 5, विटामिन 12। यहाँ ऑप्शन जो है विटामिन 2 से पिलाग्रा या चर्मदाह रोग होता। अगला क्वेश्चन, ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है कहाँ। हरित लवक में, पराक्सीसोम में, लाइसोसोम में या माइटोकांड्रिया में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन सही, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। अगला, हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया होती है। चार ऑप्शन है प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, क्रेब चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदला जाता है, C3 चक्र या C4 चक्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हरित लवक के ग्रेना में क्या बनते हैं। तो चार ऑप्शन है ATP तथा ADP, दूसरा है ATP तथा NADH2, तीसरा ATP तथा NADPH2, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसके लिए तीसरा ऑप्शन सही है, ATP तथा NADPH2। इस तरह बच्चों हमने जैव प्रक्रम का पहला जो टॉपिक था पोषण, उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया। आगे वाले वीडियो में हम जैव प्रक्रम के श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।